भैया आ जाइए आ जाइए आ जाइए, दो मिनट दो मिनट। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? हम ससुरामे कोवाड़ी से हैं। ससुरामे से हैं। मांग क्या है आप लोगों की यहाँ पर, ये जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं उसकी हम लोग का मुख्य मांग है कि मायावती जी को हम लोग प्रधानमंत्री रखना चाहते हैं, और महंगाई पर हम लोग और अति पिछड़ा पर जितना अत्याचार हो रहा है, अभी आप सुन रहे हैं कि उड़ीसा में जो हो रहा है हमारी माता और बहनों को, अति पिछड़ाओं को, उनके साथ अत्याचार हुआ, हम लोग इसको लेकर और यही मांग करना चाहिए, यानी कि जो बहुजन समाज पर अत्याचार हो नहीं होना चाहिए। उड़ीसा तो बहुत दूर की बात है, अभी सासाराम रोहतास जिला में ही एक बच्ची का बलात्कार हुआ था, उसमें तमाम संगठनों ने अपनी बातों को रखा था और तमाम संगठन उसके लिए आगे भी आया था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं उस मामले पर निष्क्रिय नजर आई थी, ऐसा क्यों सर? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बहुजन पार्टी निष्क्रिय नजर नहीं आ रही है। ये हम लोग का है ना, हम लोग का माननीय मायावती जी हम लोग पूर्ण बहुमत से उनको इस बार 24 में PM बनाना देखना चाहते हैं। PM बना करके छोड़िएगा जी, क्या लगता है बन जाएंगे PM? जी इस बार एकदम बनेगी, क्या लगता है भैया बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएगी, कोशिश बिल्कुल बन जाएगी, एकदम संविधान की लड़ाई है। हाँ संविधान एक तरह कैमरा में देख के बोलिए, संविधान की लड़ाई है, संविधान के जितने भी 85 मूल निवासी हैं हम लोग संविधान को मानते हैं, उनका अधिकार को देना होगा। सभी जब जिस दिन बहुजन समाज के सभी सिपाही यदि जान जाएगी उसी दिन PM बन जाएगी। आपसे एक सवाल है मेरा कि जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं बहुजन समाज पर जुल्म अत्याचार के लिए, अभी बिहार के रोहतास जिला में ही एक बच्ची को सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और साथ में उसको एक आपत्तिजनक हालत में ऐसे ही जंगल में छोड़ करके भाग जाते हैं, जो उनके अपराधी होते हैं वो छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर बहुजन समाज पार्टी का प्रतिक्रिया 0 समान रहती है, कोई भी सामने आने के लिए तैयार नहीं होता है और वो बच्ची आज भी रोत बिलख करके अपने घरों में ही रह जाती है। ये घटना नौहट्टा प्रखंड की है, आपको जानकारी होगी। देखिए जिस क्षेत्र के वहाँ हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, वहाँ उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए बहुत सा प्रयास कर रहे हैं, उनको न्याय दिलवाया जाएगा, हमारे हर क्षेत्र से उनके पास गए लोग हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का एक भी उस पर प्रतिक्रिया नहीं रहा है? नहीं, जब देखिए सोशल मीडिया पर गए हैं लोग, बहुजन समाज की पार्टी जो पदाधिकारी वहाँ लोग गए हैं, उस क्षेत्र के पदाधिकारी हमारे गए हैं। क्या लगता है उस बच्ची को अभी न्याय मिलेगा? नहीं, बिल्कुल न्याय मिलेगा, उस न्याय दिलाने के लिए हम लोग रोड पर प्रदर्शन करेंगे, उसी के लिए भी प्रदर्शन उसमें ऑप्शन दिया गया है। अगर नहीं भी होता है तो इस तरह की प्रदर्शन फिर उस बच्ची के लिए होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, दोबारा ही करेंगे हम लोग प्रदर्शन के लिए। हम लोग को 10 को मांगे हैं, जो मणिपुर में हम लोगों को लंगे अनुसूचित जाति दलित को जो घुमाया गया है, उसको जो मान लें जो अपराधी है उसको जो पाया गया है उन लोगों को फांसी दिलवाने का काम करेंगे, और हमारे 3800 जिला में आंदोलन चालू है। दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार दिन पर दिन कितनी बढ़ती जा रही है उसका जीता जाता सबूत आप इन लोगों को देख सकते हैं, कितनी संख्या में लोग हैं, सभी के मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि हमारे समाज पर जो दिन पर दिन अत्याचार हो रहा है वो कहीं ना कहीं रुकने का प्रयास करे, थोड़ा सा भी अगर थम जाए तो शायद बहुजन समाज के लोग चैन से जी सकेंगे। अभी मणिपुर में कुछ दिन पहले आपत्तिजनक स्थिति में महिलाओं को घुमाया गया था। एक और व्यक्ति हैं, सर इधर आ जाइए, परिचय दीजिए अपना। हमारा घर लहरी है, नाम केशनाथ राव है, मैं बहुजन समाज पार्टी का नेता हूँ। हम बहन जी को 24 में ललकार करके सरकार बनाना चाहते हैं, बहन जी को प्रधानमंत्री बना कर छोड़ेंगे, समझिए ना। और नीतीश और लालू को और मोदी को उखाड़ कर फेंक देंगे बिहार से और केंद्र से, बहन जी को सरकार 24 में बना करके सोने का चिड़िया फिर भारत को बनाएंगे, समझिए ना। सोने का चिड़िया भारत को बनाना है और बहन जी को देश के कुर्सी पर प्रधानमंत्री बनाना है, और ताकत के साथ पूरे 85 से मैं कह रहा हूँ, ए निकम्मे सरकार को हमारा दलितों शोषितों पिछड़ों OBC के साथ अत्याचार जुलूम बलात्कार हो रहा है, इस सरकार हम नहीं चाहते हैं। 50 साल 60 साल 70 साल हो गया, देखते देखते हमारा समय बीत गया, कभी उत्थान नहीं होने देगा ये लोग की सरकार हम चाहते नहीं हैं। एक बार बहन जी को सरकार बना करके बाबा साहेब को संविधान को भारत में लागू करा करके दिखा देंगे, देख लो OBC, देख लो सवर्ण, देख लो कांग्रेस, देख लो भाजपा, तुम्हारी सरकार उखाड़ कर भी करके बहन जी को प्रधानमंत्री देश करके बना करके भारत को फिर सोने का चिड़िया बनाएंगे।
देखिए अब आप इतना बड़ा मूछ रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं मूछ रखने पर दलितों के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार होता है, कहीं ना कहीं राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल को मूछ रखने के लिए ही मार दिया गया, आपको डर नहीं लगता है कि डर हमारी नहीं है, जिसका ताकत हो हमारा मूछ पर अंगुली दिखा देगा तो उनका आंख निकाल लेंगे दोनों आंख। आज आप बोल रहे हैं, कल हो सकता है कि कोई आप पर गोली चला देगा, क्योंकि अभी मूछ रखने के लिए ही चंद्रशेखर आजाद रावण जी पर भी गोलियां चलाई गई थी, तो आप पर भी गोली लोग चला सकता है, डर नहीं लग रहा है? ना कोई डर नहीं है, हजारों नौजवान मूछ रखेगा हमारा मरने के बाद भी, और जिंदा रहते हुए हजारों नौजवान चमार के छोकरा मूछ रख करके चलेगा और ईंट कर कर चलेगा, किसी को माई भी आया हो तो मूछ पर गोली चला कर दिखा दे ना कि सब राज करत हुए। भाई इधर आइए। अरे भैया कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। मायावती को तो हम तो 2022 में सोच रहे थे पूरा जिताने के लिए, करागर प्रखंड से हम लोग 47,000 दिए थे वोट, लेकिन फिर भी अभी कम पड़ गया। कहीं ना कहीं पर आप ही के समाज का लोग बिक ना जाता है जी, जो भाजपा कांग्रेस को बिक जाता नहीं है, उसमें कुछ लोग ज्यादा जो पढ़ गया है, जो हमारे ही लोग को वही लोग ज्यादा भड़का रहे हैं, जो हमारे ग्रेड का आदमी है वो सही है दे रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा पढ़ लिख गया है ना वही सलाह बोल रहा है क्या, अरे इसका खाता नहीं खुलेगा तो उसका वो नहीं होगा, अरे माधव चौधरी उसको पहले दो, उसको अपना अवकाश को समझो, आज तुम बन रहे हो कि बड़ा है लेकिन इसी में आना है, बहुजन को तुमको सहारा लेना है, अब बहुजन को तुम कंधे पर जाओगे और कांग्रेस को भाजपा को कंधा पर नहीं जाओगे, तो इसलिए तुम उधर वोट भी दे रहे हो, तुम्हारा गिनती कुछ नहीं हो रहा है, इससे अच्छा है कि अपना इसमें बहुजन में दीजिए, बहुजन में गिनती कीजिए, बहुजन हम है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, शायद पढ़े लिखे लोगों से तात्पर्य इस भैया का जिस प्रकार से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग ही कहीं ना कहीं अपने समाज को धोखा देने का प्रयास है। ये कुछ यहाँ के कार्यकर्ता थे, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो अपनी बातों को अपनी राय को यहाँ पर आप लोगों के बीच रखने का प्रयास किए, और मैं चाहूँगा कि जो बहुजन समाज पर दिन पर दिन अत्याचार और दमन शोषण बढ़ता जा रहा है उसको थोड़ा सा भी अगर प्रतिक्रिया अगर यहाँ के पदाधिकारीगण अगर देने का प्रयास करें तो ये सब रुक जाएगा। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ एक और सिखा वक्त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।